अपने पदाधिकारी को भी सात साल से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहे थे पूरे मेंबर्स बने हो रहे थे। अरे मैं सुन रहा हूँ, हमारे यहाँ पे वकीलों की यूनियन है, हमारे बिजनेसमैन की कोई के थ्रू तू तू मैं की है आवाजें। दरअसल वो लोग निकाल रहे हैं जो बहादुरगढ़ के बड़े उद्योगपति हैं। दरअसल बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों की बैठक बुलाई गई थी जिसपे कई मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, मगर चर्चा हो पाती उससे पहले ही उद्योगपतियों के सबसे बड़े संगठन BCCI यानी बहादुरगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को लेकर भी उद्योगपतियों में गुटबाजी देखने को मिली। एक तरफ जहां बैठक में एक गुट के लोगों ने BCCI एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को भंग करने और प्रशासक लगाने की मांग की, तो वहीं दूसरे गुट ने इसका विरोध किया। उद्योगपति पिछले 7 साल से बहादुरगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चुनाव नहीं होने के कारण परेशान है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 7 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है और फिर इलेक्शन के लिए सभी जितने भी मेंबर हैं BCCI के, वे चाहते हैं कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के प्रॉपर मेंबरशिप ली जाए और फिर इलेक्शन कराए। 7 साल का हिसाब लिया, 7 साल का पूरा हिसाब लेके फिर मेंबरशिप लेके, क्योंकि 7 साल में यहाँ बहुत से उद्योगपति यहाँ आके अपने उद्योग लगा चुके हैं, वे भी मेंबर बनाए जाए और फिर इलेक्शन कराए। यहाँ मेन मोटिव जो है आज यही था। तो आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है इसकी जो है ऑलरेडी जो हमारे मेंबर हैं 2019-20-21-22 लगातार जो है रिस्टार चंडीगढ़ तक भी भादुड़ में भी डीसी को भी एडीसी को भी बार बार सूचनाएं दे चुके हैं और एडहॉक कमेटी बन चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटर की डिमांड कर चुके हैं। एडहॉक कमेटी नहीं चाहिए, ऐसा है एडहॉक कमेटी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। कोई नहीं होते फैसला करने वाले कि एडहॉक कमेटी चाहिए या नहीं चाहिए। एडहॉक कमेटी बनने के बाद भी किसी तरह की एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं देखा गया। एडहॉक कमेटी बनी थी 4 जुलाई 2022 को, तो 4 जुलाई 2022 से आज तकरीबन 6 महीने इस बात को होने को आए, लेकिन एडहॉक कमेटी बनने के बाद पहली बात तो कोई भी ऑफिस बैरर नहीं रहता। प्रधान प्रधान नहीं है, ट्रेजर नहीं है, जनरल सेक्रेटरी नहीं है। दूसरी बात, वो भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो जैसे मैं एक मेंबर हूँ, मैंने फीस जमा कराई है, मैंने 8 साल की फीस इकट्ठे जमा कराई है, पूछ के कह के जमा कराई है, उसके बाद मुझे भी कोई सूचना नहीं है। इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, मुझे कोई मैं आना चाहता हूँ आगे, मैं आना चाहता हूँ BCCI के अंदर कि मैं भी कोई अपनी बात रख सकूँ, लेकिन इलेक्शंस हो रहे हैं पता ही नहीं है। बता दें बहादुरगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों की बैठक BCCI भवन में आयोजित की गई थी जिसमें जमकर हंगामा हुआ। एक पक्ष का आरोप है कि एडहॉक कमेटी नियुक्त होने के बावजूद भी एसोसिएशन की पुरानी कार्यकारिणी अपने पदों का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आ रही। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा जो एडहॉक कमेटी नियुक्त की गई थी उसे भी 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन वो भी अभी तक चुनाव नहीं करवा पाई। उद्योगपतियों के एक गुट ने जल्द से जल्द सरकारी अधिकारी को प्रशासक लगाने की मांग की है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ही ये सभी काम हो, क्योंकि 7 साल हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। एक तरीके से BCCI के ऊपर एक ही संगठन का कब्जा हो चुका है और नए लोगों को अगर सहयोग मिलेगा, नए लोग आएंगे, तो जो हमारे पेंडिंग काम है, जो यहाँ के इश्यूज़ हैं, वो तभी रिजॉल्व हो पाएंगे। इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी नहीं है, बट नए लोगों का आना, यहाँ पर परिवर्तन लेकर के आना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 जुलाई को बुलाई थी, बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की तरफ से, लेकिन बीच में ही कोई आदमी गया वहाँ पे, लोग गए वहाँ पे हाईकोर्ट से, स्टेट रजिस्ट्रार से स्टे ले लिया। एडहॉक कमेटी को यही ऑर्डर आए मेरे पास रिटिन में है कि भी कोई डेट आगे की कार्रवाई नहीं करी जाए जब तक हम डिसीजन ना लें। तो 2 महीने बाद फिर उनका डिसीजन आया कि एज इट इज रहेगी। एडहॉक कमेटी बिल्कुल ठीक बनाई गई थी और वो एज इट इज रहेगी और इलेक्शन की तैयारी करी जाए। लेकिन इसी बीच में कल एक लेटर हो रहा है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करा गया है डॉक्टर BS सहलावत, जो डायरेक्टर हरियाणा सरकार के हैं रिटायर्ड, उनको नियुक्त कर दिया। बता दें कि BCCI यानी बहादुरगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में 2000 से ज्यादा उद्योगपति सदस्यता है, जबकि मौजूदा सदस्यों की संख्या सिर्फ 400 है। पिछले 7 साल से उद्योगपतियों के संगठन बहादुरगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके चलते बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की समस्याओं को सरकार तक ले जाने के लिए कई प्रतिनिधिमंडल नहीं है।
जिसके चलते उद्योगपति अपनी समस्याएं सरकार तक नहीं पहुंचा पाते और समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की इस संस्था के चुनाव आखिर कब तक संपन्न होते हैं। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।